पढ़ाई लेता हूँ थोड़ा दिमाग हाथ के साथ ही दांत फाड़ने स्टार्ट है तो कार्टून नहीं हो तुम हाँ कार्टून नहीं हो कार्टून जब तो बुलाया मैंने देखने आते के साथ ही मारना स्टार्ट कर दिया ले देख हद भी हद है। हेलो गाइस तो कैसे हो आपसे आशा करते हो अच्छे हो। तो गाइस तुम्हारा भाई बहुत टाइम बाद वीडियो लेकर आया है। तो गाइस मैं तो था ना थोड़ा दिमाग में टेंशन चल रही थी इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा। तो गाइस आज जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया। गाइस मैंने उसको बताया था कि मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ वीडियो इस वजह से नहीं डाल रहा हूँ। तो गाइस मैं आज उसको जो अपनी सारी परेशानी मतलब बताने वाला हूँ। तो गाइस मुझे नहीं पता उसको कैसे रिएक्शन आएंगे। मेरी उसके साथ फर्स्ट वीडियो है गाइस मैंने उसको नहीं बताया मैं मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखते हैं गाइस उसकी कैसे रिएक्शन आएगी। तो गाइस उसका वेट कर लेते हैं तब तक के लिए गाइस। तो गाइज मैंने जो है ना उसको फोन लगा दिया है और वो आ रही है क्योंकि गाइज हम फर्स्ट मतलब फर्स्ट बार जब मैं उससे मिला था ना तो कैफ़े के सामने मिला था तो मैंने उसको बता दिया है कि मैं कैफ़े के सामने खड़ा हूँ। तो गाइज वो आ रही है मैं उसका वेट कर लेता हूँ बस। A few moments later. अब मैं उसका वेट कर लेते हैं। आ गई आज आज में आ गई इतना बताओ भाई क्या हद है भाई तुमसे इतना वेट कौन कराता है यार ये बताओ क्या यार मैं मोनिका को छोड़ के आई किसको मोनिका को वो कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ये बताओ मेरा दोस्त भी चला गया अभी देख देख मेरे दोस्त आया था मेरे साथ अच्छा तो अब वो जब तुम नहीं आई तो वेट करते करते बोला यार यार मैं जा रहा हूँ उसका मतलब फ़ोन वगैरह आ गया था तो वो चला गया यार इतना मतलब लेट क्यों हो गया यार थोड़ा घर में काम था तुम्हें पता मेरा दिमाग टेंशन में चल रहा तब भी यार क्या टेंशन है तुमको मैं वही सोच रही थी यार क्या टेंशन है मैं सोच रहा कार्टून को बुला ही लेता हूँ थोड़ा दिमाग आते के साथ ही दांत फाड़ने स्टार्ट तो कार्टून नहीं हो तुम हाँ तो कार्टून नहीं हो कार्टून जब तो बुलाया मैंने देख नहीं रहे आते के साथ ही मारना स्टार्ट कर दिया ले देख हद भी हद है जिंदा मत छोड़ो थानो कार्टून नहीं है तुम डोरेमोन तुम कार्टून नहीं बताओ no, no. मैंने इसीलिए तो बुलाया मेरा दिमाग टेंशन में चल रहा था मैं सोच रहा यार तो भाई तो पूछने आयो क्या टेंशन चल रही है मैं सोच रहा यार क्या बात करूँ तुमसे यार समझ नहीं आ रहा मेरा दिमाग चल क्यों अब बात करने के लिए बुलाया अब क्या बात करूँ ये क्या बात हुई अब इतने लेट आई हूँ सारी बातें भूल गया मैं क्यों टेंशन में होगा वो अपनी टेंशन कैसे भूल जाएगा अरे मैं टेंशन में था मैं सारी बातें याद करके आया था घर से मैं बोला तुम सारी टेंशन बताऊंगा अब सारी बातें भूल गया मैं तुम इतनी लेट आई हो तुम इतनी लेट यार मैं बता तो रही हूँ मैंने पहले अपने घर के सारे काम निबेड़े उसके बाद निबेड़े यही तो तभी देखो कार्टून नहीं हो तुम ये बोलो क्या समेटे उसके बाद मैंने मोनिका को मेट्रो पे अच्छा छोड़ा अच्छा फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आई हूँ किसके साथ आई हूँ अकेले आई बॉयफ्रेंड के साथ मैं पूछ रहा हूँ भाई यहाँ अकेले आए थे किसी ये फालतू काम के लिए ना मेरे पे टाइम नहीं है ओके अच्छा फालतू काम के लिए टाइम नहीं है ओके समझ सकता हूँ पूरा दिन बस खाली यही हंसना उसना और औरों को परेशान करना किसको परेशान कर दिया औरों को परेशान करना यही सब आता है वैसे ना ये मारना बस में इधर से उधर इधर से उधर मेरा काम है वो मेरा काम है क्या काम है तुम्हारा मेरा काम है लड़कियों से बात क्लिक करना लड़की से बातें करना ये काम है हाँ भाई लड़की ये काम नहीं है ये आवारा गर्दी है अरे लड़कियों से बात करूंगा तभी तो वीडियो बनाऊंगा आवारा गर्दी है क्या आप वाह दीदी वाह दीदी तो बनाओ ना दिक्कत क्या है तुम्हें हाँ, मेरे दिमाग बहुत दिक्कत है आ जा ये वो ऐसे करके बुलाया दिक्कत हो रही नहीं कहीं से कहीं तक दिक्कत क्या दिक्कत है भाई रोके दिखाऊं सच में यार मेरे को टेंशन है यार बहुत ज्यादा यार ये तो बस अब इसका मतलब मैं भी रो के दिखाऊं तुम्हें यार अब अंदर दिल पे मेरे तो यही तो मैं बोलती हूँ क्या मैं रो के दिखाऊं कि मैं सैड हूँ मैं भी अंदर से सैड होती हूँ बट हंसती रहती हूँ अच्छा हंसती रहती हूँ हंसते रहो यार सैड होने से कौन सा तुम्हारी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी अंदर कितनी भी टेंशन भरी पड़ी हो क्या लोगों को दिखा के तुम्हारी मतलब जितनी भी दिक्कत है वो हल हो जाएगी तुम देख ही रहे हो बताओ लोग मिनट के अंदर फायदा उठा लेते हैं पता है ना अरे निक्कू तुम्हें नहीं पता यार क्या बोलूँगा सच में देखो मैं मजा भी तो मजाक कर रहा था मतलब सीरियसली बात बताऊँ देखो तुम देख ही रहे हो चैनल तुम सीरियस भी होते हो तेरा फेस देख के मुझे हंसी आया थे सच बोल रहा हूँ यार हद है भी तुमसे मेरा फेस देख के हंसी आती है मैं हूँ इतनी प्यारी कार्टून बोला नहीं मैंने डोरेमोन है मैं डोरेमोन हूँ अच्छा
सच में यार क्या बोलो तुमसे यार, बोलो क्या बोलना। सच में यार टेंशन में चल रहा था। क्या टेंशन है भाई, तुम देख ही रहे हो, देखो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। हां वीडियो नहीं आ रही तुम्हारी वीडियो, अब टेंशन में है दिमाग इसी वजह से। तो यार टेंशन हो जाए कुछ भी, अपने काम पे तो ध्यान दो, एक्टिव रहना पड़ेगा ना चैनल पे, तो वहां तो रहो। अरे एक्टिव चैनल पे तभी तो रहूं, कैसे रहूं यार, समझ नहीं आया तुमसे, इसलिए तो बुला रहा हूं। जैसे रहते हैं भाई वैसे रहो ना। मैंने तुमसे यही बातचीत करने के लिए तो बुलाया था तुम्हें, मैं सोच रहा था यार बातचीत कर लेता हूं। क्या टेंशन है बताओ। टेंशन यार वीडियो नहीं चल रही, यही टेंशन चलेगी यार, देखो धीरे धीरे होगा सब कुछ। मैं अभी दिक्कत में थी कितनी, और मैं सोच रहा था यार अब छोड़ ही देता हूँ ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी होगा। तो और फिर क्या करूँगा, क्या क्या बिल, देखो हर चीज के समझ में नहीं आ रहा होता है, क्या कंटेंट बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा, क्या कंटेंट। अरे यार कुछ भी बना लो, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा ना मेरा, ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आना। ये तुम नहीं आना। बताओ तुम भी कमिट आ पाती हो, ये बताओ क्या बोलूं। मैं आई तो हूँ, जैसे तुम्हारा फोन आया मैं आ नहीं गई, मैं कहा यार मेरे दोस्त ने आज मुझे याद करा, कैसे कैसे हाँ, वैसे तो याद करता नहीं। हाँ तुम्हें तो बस खाली ये लग रहा होगा है ना, मजाक भी लगती है। क्या हुआ बताओ, अब तुम्हें पता कितनी टेंशन में चल रहा हूँ। क्या टेंशन है बताओगे, घर वाले भी अलग, मतलब क्या घर वाले अलग, क्या साकिब का मैसेज आ रहा है यार, साकिब क्या कह रहा है व्हाट्सएप पे, साकिब मैसेज कर रहा है। क्या हुआ, चल इससे छोड़ बात को, बात करो क्या दिक्कत है। घर वाले अलग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है तू, ये सब ऐसा है, दिल्ली से घर आ जा, फिर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। बोलो सब चीज में भाई थोड़े तो लगता ही है टाइम हर चीज में। अरे टाइम लगता है, समझ में नहीं आ रहा ना, बताओ मैं यार, ऐसे टेंशन लेने से थोड़ी हल निकलेगा, सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढो ना। क्या सोल्यूशन बता, तुम ही बता दो क्या करूं यार। एक्टिव रहो अपने चैनल पे, धीरे चैनल धीरे पे एक्टिव क्या करूं बताओ, जब नहीं हो पा रहा यार। होएगा धीरे धीरे होता है सब कुछ, ऐसे तो मैं भी बहुत टेंशन में थी, अब मैंने सोचा यार टेंशन लेने से तो कोई हल निकल नहीं रहा, इससे अच्छा अपना आराम से रहो। धीरे धीरे देखो एक दरवाजे बंद होता तो दूसरा जरूर खुलता। वही तो चीज है ना, वही तो चीज समझ नहीं आ रहा कि क्या कंटेंट बताऊं। दिक्कत क्या है यार। अरे दिक्कत यही है यार, बस यही वीडियो चल रही, पैसे वैसे की दिक्कत चल रही है, पैसे वैसे नहीं है। अब मेरे को रूम रेंट भी देना था, क्योंकि अब मेरे को 28 को रूम रेंट था, अब 8-10-15 दिन हो गए रूम रेंट भी देना, वो भी पैसे नहीं है मेरे पास। कितने पैसे की जरूरत है। अरे वो चलो छोड़ो, तुम मुझसे थोड़ी फिर भी बताओ कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें। अरे छोड़ो यार, बताओगे यार, एक दोस्त दोस्त के काम आएगा, मेरा भी वैसे खर्चा पानी चल रहा है, अगर मेरी वैसे तुम्हारी हेल्प हो जाती है तो मैं कर देती हूँ। तुम कहाँ से लेकर आओगी पैसे यार। यार मेरे पास भी हैं जुड़े हुए हैं, मम्मी ने दिए थे, बताओ। अरे शर्म लग रही थी तुमसे, शर्म ने क्या इसी बात है तुमसे बता। अब मैं इस कंडीशन में होती तो तुम भी तो करते हेल्प। मैं इस वजह से तुम्हें बता भी नहीं रहा था, मैं बोला क्या बताऊं उसको यार। कोई नहीं, कितने पैसों की जरूरत है वैसे, होंगे तो मैं हेल्प कर देती हूँ। कितने पैसे चाहिए। 1000-2000 रुपये की जरूरत, 2-3 हज़ार रुपये की जरूरत थी मेरे पास, वैसे तो ये है 2000 रुपये, लो। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार, 2000 रुपये लेकर आई है। 2000 रुपये कहाँ से आ गए। मम्मी ने दिए थे। मम्मी ने किस लिए दिए थे। कैरेटिन करवाई है ना बालों में, शैम्पू लाने थे। क्या करवाई थी। कैरेटिन। कैरेटिन तो मम्मी पूछेगी नहीं 2000 रुपये कहाँ गए। नहीं यार मैं वैसे भी उड़ा ही देती हूँ, कोई नहीं मैं फिर ले लूँगी, मम्मी को कहूँगी मुझे कुछ पसंद आ गया मैंने खरीद लिया, अगर तेरी हेल्प हो कर देती हूँ तो क्या हुआ, तेरे काम आ रहे हो तो ये ले यार। कोई नहीं कोई नहीं, अरे पागल रखो पैसे को तो रखो, अरे बेसी बेसी कोई नहीं कोई नहीं, पैसे तो रखो बेसी बेसी, तुमसे पता नहीं रहता। कोई नहीं यार, अगर किसी की हेल्प हो रही है। अरे कोई नहीं, इसको तो पकड़ो, तो पैसे को पकड़ो, मैं इसी बेसी यार अपने रेंट दे दियो, फिलहाल तो दो ही है मेरे पास यार, पैसे की तो मुझे और भी जरूरत है ना। तो कोई नहीं, जब तक इनसे तो काम चला। अरे तुम्हें देने भी तो है, मैं कहां से दूंगा। कोई नहीं अभी मैं नहीं दे रही, जब होंगे जब की जब देख लेंगे, अभी मैं ऐसे पैसे थोड़ी ना ले सकता हूं तुमसे। कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं ऐसी कंडीशन में होती तब भी तो तुम हेल्प करते ना यार, एक दोस्त दोस्त के काम आता, तुम रखो। अरे रखो पैसे, तुम रखो पैसे तो रखो, तुम रखो। अरे रखो पैसे, रख लो यार। नहीं तुम रख लो, मम्मी नहीं पूछेंगी कहां से। मम्मी कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, मम्मी को घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बोल दो। बोले दोस्त मम्मी से नहीं, मम्मी पूछेंगी पैसे कहाँ गए तो क्या बोलेगी उनसे। यार मैं बोल दूंगी कुछ पसंद आ गए हैं, कुछ खा लिया। अच्छा खा लिया, अरे तुम्हारे तो बड़े लोग बड़े खर्चे हो। चलो यार कोई बात नहीं, चलो अच्छा चलो एक मिनट रखो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पैसे वैसे कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा था ना, मैं ये समझ रहा था यार क्या कंटेंट बनाऊँ यार, क्या चीज़ बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इस वजह तुम्हें बुलाया। तो मेरी जो तुमसे हम बात कर रहे हैं ना,
मतलब मैं इतना सीरियस हो गई, पता नहीं अजहर को क्या हो गया, इतनी टेंशन में तो कभी नहीं रहता ये। ये जो हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। अरे तो कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो क्या करूँ मैं, तो मैं मिली तेरे को। अबे वीडियो समझ में नहीं आ रहा, गाइस देख रहे हो आप। अबे जब मेरी समझ में नहीं आ रहा कंटेंट क्या बनाऊं, क्या पता क्या कंटेंट बनाऊं, ये सब बता, तो मैंने सोचा तेरे साथ ऐसी वीडियो बना लेता हूं। मैं इतनी टेंशन में आ रही, मैं को पता नहीं उसको क्या हो गया यार, मेरा दोस्त ऐसे तो रहता नहीं, आज ये इतनी सैड सैड बातें भी कर रहा है। मैं सोच रहा था कार्टून से सामने बात भी कर लूं। हाँ, कार्टून से सामने देख ऐसे मत करे। तो गाइस देख रहे हो कितना मार रही है, देख रहे हो गाइस, गाइस आप देख रहे हो इसने मेरे को कितना परेशान किया, मैं टेंशन में आई हूँ मेट्रो से। अच्छा टेंशन में आई है, तुम्हें भी टेंशन होती है। चलो ला पैसे तो दे दो, आप रख लूं पक्का दूंगा। नहीं मम्मी से क्या बोलोगी कि मेरे को कुछ पसंद आ गया तो मैंने